हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का वक्त है और टाइम जो हुआ है फ्रेंड्स, 4:30 बजे उठ के मैं आ गई हूँ गाड़ी सीखने, स्कूटी चलाने। और फिर भी आपको कहीं कहीं जो है ना, अब आदमी लोग दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे इधर जो है ना, जल्दी से सुबह हो जाती है और इस वजह से हम जो है 4:30 बजे उठ के गए थे स्कूटी सीखने। और वहाँ से आने के बाद जो है, मैं यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, तो आंगन को साफ़ वगैरह किए और फिर साफ़ करने के बाद सिर्फ आंगन साफ़ करी हूँ अभी। और उसके बाद जो है, यहाँ पे कबूतर का जो दाना है उसको खोल, कबूतर का जो घर है उसको खोल के और कबूतर को दाना दे के और फिर मैं जाऊँगी पीछे का साइड जो है वहाँ पे साफ़ करने के लिए। और यहाँ पे देखिए, राज जो है ना वीडियो शूट कर रहा था, तो देखिए फोकस करके आप सभी को कबूतर दिखा रहे थे, एक ही कबूतर निकला था बाहर। और यहाँ पे मैं जो भी आंगन को साफ़ किए थे, कचरा जो इकट्ठा हुए थे ना, तो उसको मैं यहाँ पे जमा किए थे और फिर अभी जो है उठा लेती हूँ। और ये पत्ते जो है हमारे जो ये है ना, बकरी पाले हुए ना, तो उसका जो बच्चे है ना, तो वो खाते रहते हैं ना गिरा हुआ पत्ता, तो मैं सोची कि रख देती हूँ, तो इस वजह से। फिर ये जो है गली, इस तरह से साफ़ करती हूँ पूरे एरिया को। इसी तरह से मुझे पूरा कंप्लीट जो है ना, मॉर्निंग में जो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम, दोनों टाइम जो है ना, यहाँ पे साफ़ हम लोग करते हैं, साफ़ सफाई और घर आंगन। और काम जो है ना विलेज में क्यों भर जाता है, यही सब जो है, घर वगैरह बड़ा होता है और फिर आंगन वगैरह है ना, एरिया बड़ा होने के कारण जो है ना, काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर अब जो है, थोड़ी थोड़ी जो है ना आदत मुझे भी लगने लगा है, और सभी कुछ तो मुझे ही करना है, तो मैं किसको बोलूँ, तो मैं तो करती रहती हूँ। और जल्दी उठती हूँ तो जल्दी से ये सब जो है ना, हो जाता है काम कंप्लीट। और फिर साथ में जो है, ये काम भी है, घर का काम भी है, वीडियो भी बनाना है और सिलाई भी करना है, तो ये सब जो है ना, सभी कुछ को मैनेज करके चलना पड़ रहा है। और फिर बच्चे, बच्चे को देखना, सभी कुछ करना, वही चीज़। तो अभी जो है देखिए, मेरा जो है अभी सभी आंगन वगैरह साफ़ करके हो गए थे, तो मैं आ गई हूँ घर साफ़ करने। और घर साफ़ करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अभी टाइम जो है ना बहुत ही ज़्यादा है, अभी जो है 6 भी नहीं हुआ है, और उसके वजह से मैं, मेरा जो है काम जो है कंप्लीट हो जाता है झाड़ू लगाने के बाद यहाँ का, तो मैं सोची कि पोछा भी अभी ही लगा लेती हूँ, नहीं तो दोपहर के टाइम लगाती थी। लेकिन अभी तृप्ति, गुंजन सोए हुए हैं और मैं और राज उठ के स्कूटी चलाने चली गई थी, और वहाँ से आने के बाद ये सब करना स्टार्ट कर दिए। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे पोछा भी लगा ले रही हूँ, और इससे ना मेरा जो काम है ना पोछा लगाने का, बहुत ही आसान हुआ है। आप सभी हमारा गाड़ी के जैसे क्यों करना है, चाहते हैं लेना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ले लीजिए, क्योंकि इससे ना बहुत ही काम जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, मैं जो है पूजे रूम से ही मैं स्टार्ट करती हूँ झाड़ू भी लगाना और पोछा भी लगाना, यहीं से स्टार्ट करती हूँ काम करना, क्योंकि सबसे पहले जो है ना आती हूँ ना, तो यहीं से शुरू करती हूँ, तो हमेशा तो यहीं से आदत सी हो गई है, तो यहीं से पोछा लगाना। और ये जो है ना पूजा का घर है, तो इस वजह से भी मैं सोचती हूँ कि यहाँ से करती हूँ, और फिर बाद में तो सभी जगह करना ही है, तो इस तरह से। और इससे ना जितना हो सकता है ना मुझे, उतना जो है ना अच्छे से मैं साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, बेड के नीचे वगैरह। और बरांडा है, बरांडा भी आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कितना बड़ा है, दोनों तरफ इसी तरह से है, लेकिन पीछे तरफ जो है ना बरांडा तो कवर है, लेकिन आगे तरफ पूरा बरांडा खुला रखा हुआ है।
और मेरा जो दुपट्टा है कभी इधर कभी उधर घूम जा रहा है, क्योंकि मैं दुपट्टा क्यों लेके रखी हूँ, क्योंकि पापा जी घर में रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर पल्लू लेना पड़ता है इसलिए भी। तो मेरा जो दुपट्टा है कभी बांधती हूँ कभी निकालती हूँ, कभी ऐसा कभी वैसा हो ही जाता है फ्रेंड्स, तो कोई नहीं। और तो ये सभी काम जो है अभी देखिए कंप्लीट हो जाएगा मेरा। और वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और आज जो है आप सभी के साथ बहुत टेस्टी स्वादिष्ट जो है ना रेसिपी भी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और आप सभी को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ना कमेंट करके भी बताइएगा फ्रेंड्स, और फुल वॉच कीजिए आप सभी। मेरा जो काम है कंप्लीट है, 4:30 बजे से उठकर मैं पूरा जो है काम को जो है कंप्लीट किए हुए हैं। और इस तरह से जब कोई भी लेडीज़ काम करते हैं तो मैं जो टाइटल रखी हूँ कि इस तरह से काम करेंगे तो सास भी हो जाएगी बहू की फैन, तो हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह से 4:30 बजे से पूरा घर को साफ सफाई करना, पूरा काम को संभाल लेना, तो कौन सी भी सास होगी वो तो देख के ऐसे भी बोल देंगे कि बहुत काम करती है। और जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहता है तब तो हो ही जाता है सभी के साथ प्रॉब्लम, लेकिन जब नहीं रहता है तो इस तरह से काम करें। और सभी काम जो है कंप्लीट है, आप सभी को तो पता ही है मेरा घर का जो है कितना बड़ा है, तो मैं जो है सभी हरिया को यहाँ से ये सब पोछा लगाई हूँ और हो गया है काम। अब जो है कपड़ा वॉश करूँगी, शावर लूँगी और पूरे जो है ना आप सभी को दिखाई ये सब जो आंगन वगैरह साफ किए मैं, तो सभी कुछ साफ़ करने के बाद टाइम थे तो मैं सोची कि अभी ही पोछा लगा लेती हूँ, नहीं तो दोपहर के टाइम लगाती थी मैं पोछा। अब जो है मैं नहाऊँगी, बर्तन भी वॉश करना है, तो ये सब काम अब इससे आगे होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो अब जो है यहाँ का काम बाकी है, देखिए कपड़ा वॉश करना, बर्तन, ये जो है पोछा जो करके आई हूँ तो इसको भी सर्फ से हर रोज़ मैं साफ कर देती हूँ, तो फिर कैसा होता है कि इसका जो भी कलर रहता है ना वैसे ही रहता है। और इस तरह से पोछा लगाने के बाद करना चाहिए। और मेरा ये सब सभी कुछ को है साफ करने के बाद जो है ना पसीना बहुत आता है, और गर्मी तो अभी तो इतना टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, लेकिन देखिए धूप वगैरह जो है ना बहुत तेज़ो की निकल गया है। तो ये देखिए मैं आज जो है रेसिपी आप सभी के साथ जो शेयर करूँगी, तो ये है अरवा पान जो आप सभी को दिखा रही हूँ, इसका रेसिपी मैं बताऊँगी आज। और फुल जो है ना जिस तरह से हम लोग बनाते हैं ना फुल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। और विलेज का जो स्टाइल होता है ना, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने वॉश कर लिया है और अब जो है इसकी तैयारी करूँगी, तो चलिए आगे की प्रोसेस आप सभी को दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये है अरवा पान जो पत्तियाँ इस तरह से होता है ना स्टेप है, और इसको जो है ना देखिए बड़े बड़े होता है हमारे इधर ज़मीन का जो मिट्टी जिस तरह से होता है ना फ्रेंड्स उसी तरह से होता है। और ये देखिए बहुत ही बड़े बड़े होता है, और इसका जो है ना 2 या 3 पत्तियां तोड़ के लाते हैं और पूरे परिवार का जो है ना ये बन जाता है। तो ये आज बनाने वाली हूँ, और इसमें जो है ना अरकंचन बनाऊँगी जो फ्राई खाते हैं ना उस तरह का, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो मसाला जो भी चीज़ हम लगाने वाले हैं वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक प्याज मैं ऐड करूँगी, मोहरी, धनिया, लहसुन, हरी मिर्च 3 लिया है और काली मिर्च, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। और इसमें जो है मैं ऐड कर रही हूँ ये चावल, ये चावल ऐड कर रही हूँ और इसका जो है ना पेस्ट बनाऊँगी साथ में ही।
इसमें पानी ऐड कर दिए हैं और उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैं अभी जो है इसमें जो है ना नमक और गेहूं का आटा और हल्दी ऐड किए हैं कलर के लिए, और बाकी जो है हमने पेस्ट बनाया था वो। और इस तरह से आप बेसन भी यूज कर सकते हैं, मेरे पास जो है ना बेसन अभी जो है ख़त्म थे फ़िलहाल, तो मैं सोची कि इसी तरह से और गेहूं का जो आटा होता है ना उसी से थोड़ा सा डालना पड़ता है, क्योंकि वो जो है ना पकड़ता है, पकड़ होता है ना उस तरह टाइप हो जाता है। तो आप गेहूं का आटा में भी स्वादिष्ट लगता है, लेकिन आप बेसन में भी बना सकते हैं, बेसन डालना ज़रूरी है क्योंकि पकड़ने के लिए, और मसाला जो है ना थिक होता है इसलिए। और फिर इसी प्रोसेस में देखिए मम्मी जी जो है बना रही है, और इस तरह से सभी पत्ते को जो है ना इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपका के इस तरह से जो हमारा टॉपिंग है उसको लगाते जाना है, और इस तरह से करने के बाद जो है ना सभी पत्तियाँ को जो है ना इसी तरह से कर देने वाले हैं मम्मी जी, और फिर इसको जो है ना फोल्डिंग करते हैं। तो ये जो है सभी पत्तियाँ एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपकाते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी को बैकग्राउंड में आवाज़ आते हैं, तो चिड़ियाँ जो है ना हमारे इधर जो है ना बहुत ही बोलते रहते हैं, और पैर वगैरह है ना तो वो लोग यहीं पे बसेरा उनका रहता है, तो कोयली ये वो जो है ना बोलते रहते हैं तो इस वजह से। और अभी देखिए ये जो है पूरा करके हो गया है, तो मम्मी जी जो है अभी इसको इस तरह से फोल्डिंग कर रहे हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ना मम्मी जी जो है फोल्डिंग कर रहे हैं, जो भी बचा हुआ है ना इसी में ये कर देना है, लगा देना है। तो ये जो है आप सभी को ये रेसिपी कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से आप सभी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रस्सी वगैरह से बांध के मैं देखती हूँ ना तो मुझे ना खुद पे हंसी आ जाती है कि ये तो इतना इजीली बन जाता है, पर फिर भी रस्सी से बांधते हैं और फिर उसको ना वालते हैं और फिर बनाते हैं। तो इस तरह का जो है ना रेसिपी आप सभी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, आप सभी से परफेक्ट बन जाएगा फ्रेंड्स। और ये देखिए इस तरह से करने के बाद जो है आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं, जिस जैसे कि चाकू वगैरह हो गए यानी छुरी, या इस तरह का है आपके पास चुलासी यानी हंसुआ, तो इस पे से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए मम्मी जी कितना परफेक्टली कट कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोग जो है ना बनाते हैं। और अब रस वाला भी बनाएंगे ना, तो इसको पहले फ्राई करके और जैसा हम कोफ्ता तैयार करते हैं ना तो उस तरह से हम इसको फ्राई करके रख देंगे, और एक दो बाल आते हैं तो बाद में ये ऐड कर देना है। तो ये देखिए हमारा जो है हो गया है कटिंग करके, और अब जो है मैं यहाँ पर पहले सभी को एक यहाँ पे कढ़ाई में लगा देती हूँ, और इसके बाद ऑयल डालूँगी, क्योंकि इसमें जो है ना थोड़ा सा ऑयल बाकी था, क्योंकि मैंने अभी दाल को जो है ना तड़का लगाए थे तो इस वजह से। और यहाँ पे देखिए सभी ऐड करने के बाद मैंने ढक दिए थे, और अभी जो है पलट दे रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से देखिए टूटता नहीं है, जैसा है ये खुलता नहीं है, और अच्छे से ये पलट भी जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके